Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Jaya ma'am, welcome to eTimes TV. How are you? How are you doing? I'm doing well. Thank you for having me on your channel. Yeah. Thank you very much. Jaya ma'am, how do you manage to live such a simple life? जब you know हम आपका Instagram देखे या you know कोई भी activity देखे, हम देखते हैं कि आप मतलब बहुत simple and ordinary life जीती हैं. चाहे वो आपका pets को लेकर प्यार हो, चाहे वो you know जिस तरीके से आप ज़िंदगी जीती हैं. How do you manage to still be so connected to your roots and passionate about the things that you like? क्योंकि टीवी इंडस्ट्री हमको सबको पता है कि बहुत हेक्टिक मीडियम है. यहाँ पे यूजली लोगों को अपने लिए वक्त नहीं मिलता है एंड लोग सोशलाइज करना और ये सब करना बहुत पसंद करते हैं. आप कैसे मैनेज करते हो? मैं सोशलाइज नहीं करती हूँ. यू विल हार्डली एवर फाइंड मी इन पार्टीज. यस, आई टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी सीरियसली. आई व्हाटएवर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गॉटन आउट ऑफ माय लाइफ, I have stepped into my 50th year and earlier on only I had decided ki ye jo udna hai pura se kamyabi mil gayi aur humne udna shuru kar diya aur thankfully hamare aas pass jo seniors rahe hain jin the people who I have looked up to they have always clipped my feathers if I even tried to do that and for that I am very very thankful. मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीती, मेहनत करनी पड़ती है उसमें ऐसा लगता है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक यू नो टॉमबॉय तो नहीं बोलेंगे बट आई हैव बीन टोटली जो हूं सो हूं. समझ में आया वेरी गुड, नहीं आया आई डोंट हैव टू टेक यू होम विद मी सो इट्स ओके टाटा बाय बाय सिया. आई कैन नॉट आई मीन आई कांट इवन यू नो पोर्ट्रे व्हाट आई एम नॉट फीलिंग फॉर अ सर्टेन पर्सन. इट कैन बी सीन इन माय आईज. आई डोंट लाई सो मैं वो कोशिश भी नहीं करती हूँ. तो मैं जो ना फालतू में वक्त जाया नहीं करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ. इसलिए मैं मतलब ये मेरा लुकआउट, ये मेरा नजरिया है सर. ओके, मन का नजरिया जो मेरी सोच है वो नहीं है. मैं अपनी जाती जिंदगी की बात कर रही हूँ. तो मैं जब जहां ये सब चीजों में वक्त जाया नहीं करती हूँ तो मैं और कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मेरा सोचना है. और मैं बहुत खुश हूँ उसमें, फ्रेंकली स्पीकिंग. मैं अपनी दुनिया में जो है ना बहुत खुश हूँ. जो मुझे जानते हैं वो इस प्रकार से जानते हैं मुझे कि मैं जेन्युइन हूँ. और वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एटलीस्ट. राइट. सो आई एम गोइंग अहेड विद माय प्रोफेशनल लाइफ. आई हैव माय ओन ट्रस्ट विच आई हैव opened and एक medical center है हमारा stray animals के लिए. एंड हम जो मैं जो अकेले काम करा करती थी और कहीं थक जाती थी, वो trust के जरिए एटलीस्ट और भी लोग जुड़े हैं तो काम बढ़ता है और भी ज्यादा आउटरीच हो पाती है हमारी. तो I'm very proud of that कि I have been able to you know also motivate people into doing a wee bit for others, humans or animals. मैं इंसान को अलग जानवर को अलग नहीं मानती हूँ. I am not one of those people who hate humans because they are cruel to animals. I believe totally कि animals को भी help humans ही देंगे ना. तो रोशनी फैलाते हैं हमारे भाई बंधुओं में. तो हमारे झगड़ा करके जाने के बाद जब हम वहां मौजूद नहीं है, वही इंसान जो हमारे ताकत की वजह से चुप हो गया है उस बच्चे को मारेगा नहीं. इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना. तो हमें अपनी अपनी सोच को इस तरह से प्रेषित करना चाहिए कि वो इंसान हमारे साथ बोले, हमसे कहीं ना कहीं दिली तौर पे, भले ही एक्शंस में ना जुड़े, दिली तौर पे जुड़ जाए. और जानवरों को अगर प्यार नहीं कर सकता तो कम से कम नफरत तो ना करे. एंगल में होनी चाहिए. एंड यूजली इन द इंडस्ट्री मैम एक्ट्रेसेस स्पेशली अपने लुक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं यू नो. बट हमने आपको देखा, जैसे आपने बोला मैं भाई हूँ, मुझे कुछ भी पहना दो,
कुछ भी यू नो दे दो मैं आई एम ओके यू नो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो कहाँ से आता है? हाउ डू यू मैनेज? आपने कभी अपने हेड को शेव कर लिया? यू डिडंट माइंड, यू डिडंट माइंड कि यू नो आई एम गोइंग टू बी ऑन कैमरा? नो नो, ये चीज मेरा बचपन से, इनफैक्ट आई वाज मेनी इयर्स अगो आई वाज इन द मार्केट बाइंग वेजिटेबल्स एंड तेल वेल लगा के दो चोटी करके रखे थे हमने एंड हमसे कहा गया कि ये डायरेक्टर है यहाँ पर, आप जाइए मिल के आइए, वो 5 o'clock के टाइम निकल जाएंगे। हम बाकायदा उसी तेल वेल लगा के वैसे ही पहुंच गए थे, हमें तो पता भी नहीं था उस जमाने में कि वो जो डायरेक्टर नामचीन है वो है कौन। कहा गया पहुंच जाओ, पहुंच गए, हाय हाय हेलो हेलो कर लिए, काम हमें नहीं मिला, हम चले आए वापस। हाँ ये नुकसान जरूर हुआ। तो हम ऐसे ही रहे हैं, हम ऐसे ही कुछ अलग किस्म के रहे हैं। आई एम नॉट वेरी यू नो मतलब नॉट इवन पॉलिटिकली करेक्ट, हम कॉन्शियस मतलब लुक्स वुक्स को लेके कॉन्शियस नहीं है, नहीं मतलब जो है सो ठीक है, वेरी गुड। आई डू नॉट इवन आई मीन नॉर्मल लाइफ में आई डू नॉट यूज एनी मेकअप एट ऑल। आई डोंट इवन यूज वेरियस काइंड ऑफ स्किन को अच्छा अच्छा करने वाला चीज जो सब मार्केट में है, मुझे तो आधी चीजें पता ही नहीं है। तो बेसिक है, मेरी इकलौती स्किन को ठीक ठाक रखने के लिए बस इतना ही करते हैं। राइट। एंड जब यू नो आपके बारे में कुछ भी ऐसी उल्टी सीधे खबरें आती हैं, जैसे बीच में बैंकरप्सी की चीज आई थी, फिर एक बार डेथ हॉक्स फैल गया था, हाउ डू यू रिएक्ट टू सच स्टेटमेंट? क्योंकि यू नो इंडस्ट्री में अचानक से ये बातें फैल जाना, स्पेशली एक रिनाउंड एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने इतना काम किया, इतने सारे शोज में इतने अच्छे शोज का पार्ट रही है, प्रोजेक्ट का पार्ट रही है, उनके बारे में फैल जाना कि पैसे नहीं है, काम नहीं है, वो आपने फिर कैसे हैंडल किया और हाउ डिड यू डील विद दैट? ऐसा है, मैंने ये जो सबक है बहुत सालों पहले सीख लिया था, ये सबक हमने बहुत सालों पहले सीख लिया था। जब हम लखनऊ को बिलोंग करते हैं, जब हम आए थे उस जमाने में इतने सारे लोग भी एक्टर्स भी नहीं थे यहाँ पे, और सच कहे तो आज भी मेरे ख्याल से एक्ट्रेसेस को उतनी महानता से नहीं देखा जाता है, कहीं कहीं आज भी वो नजर में फेर है। ये हमने देखा है, इसीलिए हमें ना जो वो रिबन कटिंग वाले वगैरह वगैरह पार्टीज में शरीक होने वाले जो आते हैं इवेंट ऑफर्स, वो हम ज्यादातर नहीं करते हैं इवेंट, बिकॉज हमें लोगों की नजर में, यस इवेंट्स, हमें लोगों की नजर में नजर आता है कि हमें नीची नजर से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। वो हमें बहुत चुभता है ना, व्हाई आर यू बीइंग जजमेंटल टुवर्ड्स मी, हैव यू लेड माय लाइफ फॉर मी, हैव यू कंट्रीब्यूटेड इन एनी वे इन मेकिंग मी व्हाट आई एम? या नो सो डोंट, है ना। वो एक बहुत मशहूर हिंदी का गाना भी था, क्या पत्थर अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ही आप उठा के पत्थर मारो, राजेश खन्ना जी पे फिल्माया गया था वो गाना, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, रोटी फिल्म का गाना। पाप और पुण्य और एनीथिंग, जस्ट अगर आपने हमारी जिंदगी जो आज है वो बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो आपको कोई हक नहीं है हमारे प्रति कोई भी जजमेंट पास करने का। सिंपल लाइफ इज वेरी सिंपल व्हेन यू get these facts clear, you know, you can go ahead and do something else. अगर उसी कदर पर लगे रहोगे तो टाइम तो वेस्ट होता है। So when I came to Mumbai from Lucknow, हर जो जान पहचान के लोग आते थे वहां पे फैली हुई कोई खबर लेकर आते थे, सुना तुमने शादी कर लिया? ओके नहीं, सेकेंड टाइम, सुना तुमने शादी कर लिया? हाँ, मतलब तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हम बड़े परेशान हो रखे हैं, काम कर रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, तुम्हारी शादी की बढ़िया भैया बाजूरा। मतलब मेरा पारा एक एक करके बढ़ता गया, आई वॉज वेरी एंग्री, आई गॉट वेरी एंग्री, मतलब व्हाट इज दिस, यू हैव नथिंग बेटर टू डू इन लाइफ बट टॉक अबाउट मी,
Okay, you are not coming to ask me whether I have eaten, whether I have the money to eat or not. But no, इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, बात अबॉर्शन तक भी आ गई थी भैया, और मुझे सोशल मीडिया में बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोगों ने बोला है वो मैं बता रही हूँ. आई लाइक मतलब ये वाकई बहुत विल्ले पड़ रहे लोग. इनकी जिंदगी यहीं पे शुरू होती है, इनकी जिंदगी यहीं पे खत्म होती है. इन्हें कहीं आगे कदम नहीं बढ़ाना है, इन्हें कुछ अचीव नहीं करना है. तो क्या मुझे इन सब चीजों में अपना वक्त बर्बाद करना है? अपनी एनर्जी नाराज होके गुस्सा होके चढ़ के बर्बाद करना है? नहीं करना है, छोड़ो यार. उनको मुबारक, ये सब एटलीस्ट गॉसिप करने के लिए मैंने कुछ दिया उनको. यू एंटरटेन देम. या आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स देयर लाइफ बाय बीइंग मी, बाय बीइंग द ऑब्जेक्ट अबाउट होम दे कैन टॉक. वेरी गुड, यू गो अहेड एंड टॉक. एंड आई शट माय इयर्स टुवर्ड्स दीस काइंड ऑफ रूमर्स. इट स्टॉप बॉदरिंग मी. But that bankruptcy thing when happened, that was a very difficult stage of my life because my mother was on the ventilator for 6 days. She was not responding, and this lady reporter calls me up, and the first line, I mean, मैं आईसीयू से नीचे उतर के आई थी पानी पीने के लिए, कुछ घंटों के बाद पानी पीने के लिए, and this lady calls me and tells me, हमने सुना आपकी मम्मी मर गई हैं. Oh my God. These were the exact words she said to me. अब आप सोचिए, अगर किसी के यहां सच में हमी हो भी जाती तो हेलो आर यू ओके, मैं हमने सुना, मतलब एक तरीका होता है. ये कैसे इंसान रही हैं जिन्होंने हमें फोन किया. इन लफ्जों में मतलब आर यू ह्यूमन. हमारा दिमाग चलने लगा बिकॉज इतने सारे पेपर्स में पढ़े हुए हैं कि हॉस्पिटल में रख लेते हैं डेथ के बाद सिर्फ पैसे बदल. हमारा दिमाग वहां चल रहा है, मतलब व्हाट इज दिस, आई मीन हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव. बट मे बी सॉरी बट यू आर ऑल्सो ए रिपोर्टर. शायद कुछ रिपोर्टर्स को ऐसे ही अपनी टीआरपीज मिलती हैं, अपने जॉब्स को बचा के रखने के. आई डोंट नो बट दिस वाज वेरी वेरी डिस्गस्टिंग. बट देन एंड यकीन मानिए, हम अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, हम ना व्हाट्सएप और फोन कॉल्स उठाना देखना हमें डर लगने लगा बिकॉज अनजान लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं हमें, हमसे पैसे ले लो. और हमने स्टैंडर्ड व्हाट्सएप बना के रख लिया था कि हमने स्टैंडर्ड मैसेज बना के रख लिया था कि आई डोंट रिक्वायर मनी, आई हैव इट. एंड आई हैड मनी फ्रॉम थपकी वन, आई हैड सेव्ड. आई वाज प्लानिंग ऑन बाइंग अ लैंड टू मेक माय ओन शेल्टर डार्लिंग. ओके, सो आई हैड द मनी. एंड वो तो उनकी महानता है, उनको तो पैर छू लेने चाहिए. एंड दीज पीपल वर सेइंग कि कोई बात नहीं, आपको पैसे नहीं चाहिए तो आके एक बार मिल लो. ऐसे भी इनसेंसिटिव लोग मिले हैं हमें. आई हैव दोज मैसेजेस ऑन माय फोन स्टिल, ताकि दोबारा वो इंसान अगर हमें लिखेंगे तो हमें पता तो लगना चाहिए कि कौन लिख रहा है हमें. सो लेकिन हमने बाद में देखिए, हम चाहते तो हम रकस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की जो रायता फैला हुआ था उस वक्त उसको समेटना था. नंबर वन, अपनी माँ को संभाल के घर ले जाना था, और हमें उनकी नौकरी नहीं चाहिए थी उस लेडी. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना. माय मदर वाज फ्रेल, शी वाज वीक. वो 2-4 महीने बाद गुजर ही गए. लेकिन हमें इन इन महिला के
विरुद्ध में कुछ नहीं करना था, उनको तकलीफ, जैसा तकलीफ उनने हमें देने की कोशिश की थी वैसी तकलीफ हमें उनको देने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनका कर्म उनके साथ, वो देखेंगे। जी बिल्कुल। So that is how I dealt with that. Yeah. As per your question. Yeah. And even when my mother expired, on the day my mother expired at 6:13, I got a call. I was in Delhi shooting for Delhi Crime. I had reached the set and I got a call. I shot out of the 5 scenes that were scheduled. I shot for 3 scenes. I asked the director. He said, "You leave." I said, "No, sir. You have scheduled the shoot. Whichever scene is required, I should be leaving from here by 5 o'clock to reach there and do the ritual. I'm the only child. My father is 90 plus. Okay. So I reached at about 8:30 or something, and I did my rituals that were required. So I'm a very practical person, even though I'm an emotional person. I understand life. I try not to intentionally hurt anybody. And those who, I wipe them off, I obliterate them from my view. That's how I deal with this. It's the best way to do. You know, before... Yeah, zero banana. Yeah. Aapki koi existence nahi hai humare liye. Before wrapping up, one last question, ma'am. You know, jaise aapne kaha ki jab aap Lucknow se yahan aaye the, to log ye पूछने के बजाय कि आप अपने लाइफ में कैसा कर रहे हो, ठीक हो, दे वर मोर वरिड अबाउट मैरिज, और ये हर औरत को कहीं ना कहीं लाइफ में यू नो फेस करना पड़ता है। चाहिए थी, मसाला चाहिए हो। या बट यूजुअली अगर हम किसी भी औरत की बात करें, औरत को हमेशा बच्चा पैदा करना और शादी, ये दो चीजों के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, जो यू नो माइंड सेट होता है कि अरे ये टाइम पे शादी हो जानी चाहिए, ये टाइम पे बच्चे हो जाने चाहिए, ये हमेशा थोपा जाता है, पूछा भी नहीं जाता है, ये बोला जाता है कि अरे शादी क्यों नहीं की अभी तक, अरे वो हमारी मर्जी है, हमें करनी है कि नहीं करनी है। Exactly. And even do we need partner? हो सकता है कि हम अपनी दूसरी चीजों से यू नो जिंदगी बहुत अच्छी जी रहे। हाँ, मतलब हम खुश हैं भाई। या, हम फ्री हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि जिनको जिनकी ख्वाहिश है कि वो शादी करें वो ही करें, जिनको बच्चे अच्छे लगते हैं तो जिम्मेदारी वहन करने के काबिल हो मेंटली फिजिकली मॉनिटरली। बिल्कुल। बेसिक पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, खाना, तंदुरुस्ती, बच्चे को तंदुरुस्त रखने के जो लायक जो बेसिक चीजें हैं वो देने के जो काबिल हो ही आगे बच्चे भी पैदा करें। क्योंकि जरूर भाई, हम कोई मतलब हम रानी लक्ष्मी बाई के खानदान से थोड़े ही हैं कि अगर हमने आगे अपना खून आगे नहीं बढ़ाया तो हमारे देश को कुछ नुकसान हो जाएगा। लोगों के लिए जॉब्स नहीं है। आप देख रहे हैं कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं, जॉब्स नहीं, बिल्कुल। वो सिक्योरिटी नहीं है। आज की तारीख में माता पिता दोनों घर के बाहर रहते हैं, कमा रहे होते ताकि बच्चे को अच्छी पढ़ाई दी जा सके। मॉरल्स कौन देगा भाई, वैल्यूज कौन देगा भाई, न्यूक्लियर फैमिलीज है वैसे भी। राइट। यस। फिर बच्चे क्या करेंगे, आप डिस्कवर करेंगे कुछ 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 गड़बड़ गड़बड़ हो गया है। सो कॉन्शियसली आई मेड अ चॉइस नॉट टू हैव चिल्ड्रन। आई बी वर्किंग, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। या I'm the only child of my parents. I have to look after them. Yeah. I don't require. और ये दुनिया मैं कहाँ पे छोड़ के जाऊंगी? जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ इतनी पोल्यूशन है, जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मैं कहाँ पे होंगी, मेरे बच्चे को कौन बड़ा करेगा, क्या देखे, क्या सीखेगा? मैं नहीं होंगी सिखाने के लिए। मैं I was like working day night. And I was very happy. ठीक है, जो है मतलब I almost adopted a young boy who was left by his mother on the roads.
अबाउट 11 इयर्स ओल्ड, बट वो घर से पैसे चुरा के अपनी माँ को देता था. लाइफ इज सच. वो 10 सालों के बाद मुझे ढूंढकर मुझसे मिलने आया था एक सेट पे. मुझे मेरा सिर्फ उस दिन लास्ट डे सिर्फ इतना कहना था कि मुझे बता, जस्ट ओन अप टू इट कि तूने चोरी किया है. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तूने पैसे लेके अपनी माँ को दिया है, ये बात तू बता दे, स्वीकार मत कर, तू बता दे अगर किया है तो बता दे. 10 सालों के बाद वो ढूंढ कर मेरे पास आया और बोला कि मुझसे गलती हो गई. अगर मैंने उस वक्त सही डिसीजन ले लिया होता तो मेरी जिंदगी कुछ अलग होती. मम्मा आज मैं आपके पास आ सकता हूँ क्या? उसके दांत पूरे तमाकू से पूरे गए हुए थे, लाल हो रखे. मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं. सो दैट इज वन my failure in life. I wish I could have built more trust in him somehow. Or ठीक है, जो होना होता है वो होता है. हम यहाँ कोई ख्वाहिश नहीं थी एक्टर बनने की. हम यहाँ थपकी टू कर रहे हैं जो कि शाम को 6 बजे आता है, मंडे टू आई गेस सैटरडे. हाँ, on colors, on colors. And I'm saying Veena Devi, and I am loving doing this show, and do watch it. एंड प्लीज अपनी विशेष टिप्पणियां जरूर दीजिएगा. थैंक यू. हमारी लाइफ के बारे में विजयलक्ष्मी जी, बट मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. आई होप आपको भी अच्छा लगा हो ये बातचीत का जो सिलसिला था. एंड कुछ अलग सवाल पूछे उसके लिए शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. जैसे आप है, कीप रॉकिंग एंड थैंक यू. बी हैप्पी. ऑल द बेस्ट. Thank you, ma'am. Take care. Bye.